कुछ झांसी मार्च थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीते दिनों होली के समय थाना एरिया क्षेत्र के दो युवा नदी में नहाते समय डूब गए थे। वहीं दो लोगों को एक मलाह द्वारा नदी से बचा लिया गया था, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन एवं टीम द्वारा खोजबीन कर सुरेंद्र एवं सुनील निवासी गन ईरज को 3 दिन बाद दोनों शवों को पुलिस ने बरामद कर लिया था। घटना के पहले दिन दोपहर से देर शाम तक जब पानी में बहे दोनों युवाओं के न मिलने से ईरज क्षेत्र में भारी सनसनी फैल गई थी। वहीं परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों ने आक्रोशित होकर ईरज पुल पर जाम लगा दिया था, जिसमें पुलिस द्वारा जाम खुलवाने जाने का काफी प्रयास के बाद एसडीएम मोट द्वारा लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया गया था। जबकि इसके पहले पानी में गायब हुए दोनों युवाओं के परिजनों एवं ग्रामीणों से लाठी डंडों के साथ नोकझोंक भी हुई थी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा था। इसी क्रम में जाम लगने वाले परिजनों एवं ग्रामीणों द्वारा पुलिस से हाथापाई करने वाले परिजनों ग्रामीणों महिलाओं एवं पुरुषों पर पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था को खराब करने, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने सहित समझाने के लिए पहुंचे पुलिस टीम पर उत्तेजित व एक राय होकर हमला करते हुए कांस्टेबल विनय मिश्रा को मारपीट कर घायल करने व उपनिरीक्षक कुलदीप पवार को एक कांस्टेबल राकेश दीक्षित के साथ गंदी गालियां करने आदि संबंधित धाराओं में शिकायत के बाद जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और न्यायालय भेजा गया है। इस दौरान थाना अध्यक्ष पूछ सुरेंद्र प्रताप सिंह सहित उपनिरीक्षक सत्यदेव पाठक भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।